आखिर अमेज़ॉन से होम थिएटर सिस्टम आ गया मेरा, लगभग 3 दिन में आया ये। अब करते हैं इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग। ये अच्छा है कि कंपनी ने अपने भी एक पैकिंग में इसको दिया है, डबल पैकिंग में, ताकि इसको कोई डैमेज ना हो, क्योंकि काफ़ी लंबे रूट से आया ये। सोनी वालों के जो अपना बॉक्स है काफ़ी हल्का कर दिया है इन्होंने। पहले का जो होम थिएटर अगर आपने लिया था तो उसका आपको पता होगा कि कार्टन काफ़ी मजबूत होता था, लेकिन ये वाला कार्टन काफ़ी हल्का कर दिया कंपनी ने। तो कंपनी ने काफ़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं इसके बॉक्स पे, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं वो। और ये इसके प्राइसिंग, ये कहाँ क्या से इंपोर्ट हुआ है, वो सब डिटेल्स क्या क्या है इसके अंदर। बिल्कुल ब्रांड न्यू है। कई बार होता है कि आप अगर शोरूम से लेते हैं वो डेमो पीस दे देते हैं, ऐसा नहीं है, सिंगल टेप दिख रही है मुझे इसमें। ये इनका येलो वाला कूपन, ये कूपन आप तभी दीजिए इंस्टॉलेशन वालों को जब उन्होंने सच में इंस्टॉल करा है आपका होम थिएटर। अगर उन्होंने इंस्टॉल नहीं करा तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है। बैटरीज, रिमोट और इसके साथ एक HDMI केबल भी मिल जाती है, जो कि ठीक क्वालिटी में है। ये रहा इसका मेन एम्पलीफायर। पहले के मुकाबले पैकिंग काफ़ी बदल गई है सोनी की। पहले एक कार्टन टाइप होते थे इनके, गत्ते के से बने होते थे, वो ज़्यादा अच्छे लगते थे मुझे, लेकिन कॉस्ट कटिंग मेजर्स हैं सब। आज थर्मोकोल यूज़ करा इन्होंने। लुक इसकी बहुत अच्छी है। इसको रखने के बाद और अनबॉक्सिंग करते हैं। 5 स्पीकर्स मिल जाते हैं हमें इसके साथ, 2 आगे के 2 पीछे के और 1 सेंटर चैनल। एक एक को रख लेता हूँ पहले मैं। 1000 वॉट्स RMS की इसकी टोटल आउटपुट पावर है, 167 वॉट्स हर स्पीकर की और 165 वॉट्स सबवूफर की, जिसके कारण इसकी साउंड बेहद लाउड और क्लियर है। फुल वॉल्यूम पे भी साउंड बिल्कुल फटती नहीं है और बेस इसका इतना पावरफुल है कि 24 के वॉल्यूम पे भी पड़ोसी के घर का सामान हिलाता है ये। और मोबाइल का माइक्रोफोन भी इसके साउंड को कैप्चर करने में डिस्टॉर्शन रिकॉर्ड करता है। फुल वॉल्यूम 34 तक जाती है तो आप समझ ही सकते हो। साउंड टेस्ट अभी आगे आएगा वीडियो में, लेकिन उसमें काफ़ी डिस्टॉर्शन मिल रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि मोबाइल को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसके लाउड साउंड कैप्चर करने में, लेकिन रियल लाइफ में इसकी साउंड बेहद पावरफुल और क्रिस्टल क्लियर मैं कहूँगा। और इससे अच्छी साउंड 30,000 के नीचे आपको किसी सेट में नहीं मिलेगी। ये सब वूफर इसका काफ़ी भारी है, ऑलमोस्ट 6.5 किलो का होगा, पहले जितना होता था उतना ही है। इसकी लुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। नीचे वही रबर फीट है, पहले अलग से आती थी, हम उसे चिपकाते थे रबर फीट को, अब इन्होंने पहले ही चिपका के दिए। और इसकी केबल इसी में अटैच्ड है। पहले इसमें पुश कनेक्टर्स होते थे, हाथ से हम दबा के अंदर केबल लगाते थे, वो ज़्यादा पसंद है मुझे, लेकिन अब इन्होंने अंदर से ही केबल लगाई है। 3 ohms का इसका इम्पीडेंस है। स्पीकर्स को भी खोल लेते हैं जल्दी से। तो शुरू में जब मैंने लिया था होम थिएटर, मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं क्वालिटी कितनी इसकी सुपीरियर होगी कि नहीं, क्योंकि आजकल हर चीज़ का आप देख ही सकते हैं कि क्वालिटी काफ़ी गिरती जा रही है, लेकिन इस होम थिएटर की अब भी क्वालिटी अच्छी है। वेट में स्पीकर्स ऑलमोस्ट उतने ही है, पीछे वाले के थोड़े से हल्के करें कंपनी ने, थोड़ी सी प्लास्टिक शायद पतली करी है, जो भी करा, 50 grams वेट कम है पीछे के स्पीकर्स में और सेंटर चैनल में। आगे के स्पीकर थोड़े से हैवी करें, लेकिन उनमें ट्विटर्स हैं तो इसलिए उसका जगह ले लेते हैं। लेकिन पहले के जो स्पीकर होते थे होम थिएटर्स में, वो काफ़ी छोटे होते थे सोनी के। अब इनका साइज़ तो बड़ा है, लेकिन प्लास्टिक की जो इसका बॉडी है, जो इसकी जो भी हल्का करा है थोड़ा सा उसको, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज करिए। सबसे पहले तो सबवूफर को अपने कमरे के किसी कोने में लगा दीजिए, ताकि मैक्सिमम बेस मिले आपको। और फ्रंट लेफ्ट स्पीकर को हम लेफ्ट साइड लगा देंगे, इन पे पीछे लिखा होता है, कलर कोडेड है सब कुछ। फ्रंट लेफ्ट का वाइट कलर का दिया है, फ्रंट राइट का इसको राइट साइड रख लेंगे हम। और जहाँ भी रखें इनको स्टेबल जगह रखें, अच्छे से सेट कर दें आप। ये सेंटर चैनल है, ग्रीन कलर का इसका लेबल है। सेंटर चैनल को अच्छा यही रहेगा कि आप इसे दीवार पे टांग लें, लेकिन मैं इसको यहीं रख लूँगा। ये पीछे का स्पीकर है राइट साइड का, इस स्पीकर को आप रियर राइट में लगा दीजिए। स्पीकर के लिए मैंने एक ड्रिल करा था दीवार में, तो मैं आपको नहीं दिखा पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और रियर लेफ्ट स्पीकर को आप लेफ्ट साइड में रख सकते हैं। अब सारी केबल्स को कनेक्ट करते हैं, कलर कोडेड है सब कुछ, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ग्रीन को ग्रीन में, वाइट को वाइट में, रेड को रेड। और सबवूफर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना दोस्तों,
लेकिन अब आप देख सकते हैं इसको आप किसी में भी गलती से लगा सकते हैं। तो गलती से भी सबवूफर का आप किसी और स्पीकर वाले कनेक्टर में मत लगाना, नुकसान हो सकता है उससे आपके होम थिएटर सिस्टम को। और ये ऑप्टिकल केबल, इस पर आपने वीडियो तो देख ही ली होगी, इसको भी कनेक्ट कर लेंगे। इसमें से इंफ्रारेड लाइट निकलती है, उसके थ्रू ऑडियो सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए इसकी साउंड क्वालिटी सुपीरियर होती है नॉर्मल RCA केबल के मुकाबले। सारे कनेक्टर्स डायरेक्शनल है, HDMI केबल को भी आप उल्टा नहीं लगा पाएंगे। इस पर आप देख सकते हैं इसकी शेप अलग होती है, तो ऊपर एक छोटा सा ट्राइंगल दिखेगा आपको, वो देख के आपको लगा लेना है। ये FM के वायर का कनेक्टर है, ये भी डायरेक्शनल है, तो सारे केबल्स को अच्छे से दबा के आप देख लें। और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया मैंने इसको, ज़्यादा कचरा ना दिखे, क्योंकि बहुत सारी केबल्स हैं, इन्हें ठीक से मैनेज करना ज़रूरी है। और स्कर्टिंग के थ्रू आप देख सकते हैं ठीक से मैंने दीवार के किनारे लगा दिए केबल्स। अब सेल डाल लेते हैं रिमोट में खोल के, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लेना। कई बार होता है कि पुराना होता है थोड़ा बहुत सेल, तो इनकेस लीक कर जाए आपके रिमोट कंट्रोल में। सोनी अपने कंपनी के ब्रांडिंग वाले सेल्स देता है, जो कि अच्छा लगता है शुरू शुरू में जो होम थिएटर लेते हैं। और ये कैमरे पे इस तरह दिखता है, रियल लाइफ में तो दिखता नहीं है। पहला स्टार्ट करते हैं होम थिएटर का। हेलो, इसकी लाइट बड़ी अच्छी जलती है, वाइट कलर की, सुंदर लगती है देखने। बाय डिफ़ॉल्ट DVD मोड पे आता है, लेकिन आजकल DVD तो ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, तो DVD मोड पे ही आप सेटअप का बटन दबाएंगे और HDMI केबल आप अपने TV में या मॉनिटर में कनेक्ट कर देंगे, तो इस तरह की आपको स्क्रीन दिखेगी। तो इसमें सब सेटिंग्स हैं लैंग्वेज की, ऑडियो की, अलग अलग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। लास्ट मेमोरी ऑन रहने दीजिए, जो भी मोड आपका लगा होगा इनकेस पावर आउट हो तो वही मोड वापस लग जाए। HDMI रेजोल्यूशन मैंने 1080p कर दिया अपना। तो स्पीकर के लेवल का लाउडनेस है बेसिकली, तो कई घंटे लगाने के बाद मैंने सारे स्पीकर्स को 0 decibels पे रखा है, और जो सराउंड स्पीकर्स हैं उनको +4 decibels पे रखा है। और डिस्टेंस मैंने अपने रूम के हिसाब से डाल दी, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लाउड साउंड चाहिए तो आप इसकी डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा लाउड हो जाएगी, लेकिन एको भी बढ़ जाएगा। तो छोटे कमरे में मैं आपको यही कहूँगा कि ज़्यादा डिस्टेंस मत डालिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाता है। सेंटर स्पीकर ऑन पसंद है मुझे, सेंटर स्पीकर तो बहुत मेन होता है। DRC मोड को भी आप ऑफ ही रहने दीजिए। DRC का मतलब होता है डायनेमिक रेंज कंप्रेशन, तो वो बेसिकली लाउडनेस उसकी कम कर देता है होम थिएटर की। तो नाइट मोड के तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे आप अगर ज़्यादा दूर तक नहीं चाहते कि साउंड जाए, सपोज़ आपके नेबर्स तक साउंड ना जाए, तो आप उसको ऑन कर सकते हैं, लेकिन उससे ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी गिर जाएगी, जाहिर सी बात है। और ये टेस्ट टोन होता है, टेस्ट टोन क्या होता है कि अलग अलग स्पीकर्स में जब भी आप ये येलो कलर का हाईलाइट होएगा तो उसमें साउंड आएगी उस स्पीकर से, तो आपको पता चल जाएगी कौन से स्पीकर में कितनी लाउडनेस है। तो इसके बाद एक BT ऑडियो का मोड है। BT ऑडियो जब तक ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब वो सर्च कर रहा है पेयर के लिए, तो जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा सॉलिड ब्लू हो जाएगा। और इसके अलावा एक ऑप्टिकल इनपुट का ऑप्शन मिलता है हमें। इसमें पेन ड्राइव लगाने का भी ऑप्शन है, लेकिन फ्रैंकली कहूँ तो मैंने अब तक इस पेन ड्राइव से ज़्यादा गाने या वीडियोज़ प्ले नहीं करी, क्योंकि मैंने इसे कंप्यूटर से डायरेक्टली लगाया हुआ है ऑप्टिकल केबल के थ्रू, तो जाहिर सी बात है पेन ड्राइव में डाल के लगाने के लिए मिलने प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन मैंने नेट पर रिव्यूज़ पढ़े हैं, तो उसमें लोगों ने यही बताया कि बहुत ही लिमिटेड तरीके के फॉर्मेट्स प्ले करता है ये वीडियो में। MP3s तो प्ले कर ही देगा, लेकिन वीडियो फॉर्मेट्स काफ़ी लिमिटेड है जो ये प्ले करेगा। और पेन ड्राइव का भी फॉर्मेटिंग मेरे ख्याल से NTFS में होएगी, तभी ये रीड करेगा, नहीं तो बाकी फॉर्मेट्स को शायद रीड ये ना करे। और इसमें सराउंड का बटन दबा के आपको अलग अलग तरीके के मोड्स मिल सकते हैं, Dolby Pro Logic, 2-channel स्टैंडर्ड, मल्टी चैनल, ये सब अलग अलग तरीके के। और इसके मैनुअल में आप देख सकते हैं कौन सा मोड कितने स्पीकर्स कौन करता है। मैंने मल्टी छोड़ दिया है, AFD मल्टी में 500 स्पीकर से आवाज़ आती है। होम थिएटर में सेटिंग करने के बाद अब कंप्यूटर में इसे सेटिंग कर देते हैं, क्योंकि हमने एक ऑप्टिकल केबल यूज़ करी, तो उसके हिसाब से हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। 24 bits 48,000 Hz पे इसको सेट करना है। ज़्यादा कर दोगे इसको तो इसकी साउंड क्वालिटी गिर जाती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आप ये देख सकते हैं कि इसमें 3 तरह के मोड्स होते हैं जो कंप्यूटर सपोर्ट करता है मेरा। इसको टेस्ट करके देख लेंगे हम, बाकी मोड्स को हम अनसेलेक्ट कर देंगे। इसकी बेस से कैमरा भी हिल रहा है, इतना पावरफुल सिस्टम है ये।
और ऑप्टिकल केबल का ये फ़ायदा होता है, ये इरिटेटिंग डायलॉग बॉक्स बार बार आ जाता था मेरा RCA केबल्स यूज़ करने में, तो ये चीज़ अब नहीं आएगी। और अब बारी है साउंड क्वालिटी की।
और इसकी बेस को अच्छे से टेस्ट करने के लिए मैंने 0 to 10 हर्ट्ज़ की साइन वेव जनरेट करी थी ऑडासिटी में, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बेस दे रहा है। 10 हर्ट्ज़ जबकि बहुत कम होती है, तो इस पे भी ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है। तो सबवूफर इस होम थिएटर का बिल्कुल सॉलिड है, जो कि ज़रूरी है किसी भी होम थिएटर सिस्टम के लिए। इसमें 160 सेंटीमीटर का सबवूफर मिलता है हमें, जो कि इंचज़ में ऑलमोस्ट 6.5 इंचज़ के करीब आएगा। आगे हमें एक ट्विटर और एक मिड रेंज ड्राइवर मिलता है। ट्विटर ऑलमोस्ट 1.5 इंच का है और इसका मिड रेंज ड्राइवर 65 mm का है, ऑलमोस्ट 2.5 इंच के करीब है। सेंटर चैनल में हमें सिर्फ एक मिड रेंज ड्राइवर मिलता है और एक बेस पोर्ट है, दूसरा कंट्रोल्ड बेस पोर्ट है, मेरे ख्याल से फॉर्म लगी हुई है उसमें। पीछे वाले स्पीकर्स में आपको सिर्फ एक मिड रेंज ड्राइवर मिलता है, जो कि सफिशिएंट है। और बात करें इसकी कमियों की, एक इसमें थोड़ी सी मुझे कमी ये लगी कि इसकी जो ग्रिल है सेंटर चैनल की, थोड़ी सी नाजुक है, अगर आप थोड़ा सा दबाएंगे वो दब जाती है। ऐसे ही बाकी स्पीकर्स में भी है, लेकिन सबवूफर की ग्रिल काफ़ी मजबूत है। दूसरी कमी इसमें यह है कि ये थोड़ा सा ओवरहीट करता है, और आप थोड़ा सा इसको यूट्यूब पर सर्च करेंगे या गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा, इसमें एक रैम आईसी ख़राब होने का इशू है, जो कि 1-2 साल के बाद आ जाता है। तो कंपनी ने क्या करा है, इसके अंदर किसी भी तरह का कूलिंग फ़ैन नहीं लगाया, तो इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए शुरू में एक कूलिंग फ़ैन लगा के चेक करा था, तो उससे काफ़ी कूलिंग हुई थी इसकी। तो फिर मुझे लगा कि इसको कूलिंग की ज़रूरत है, और इसलिए मैंने फिर अमेज़ॉन से इसके प्रॉपर साइज़ के हिसाब से 2 कूलिंग फ़ैन्स ऑर्डर कर दिए थे। ये माको कंपनी के फ़ैन्स हैं, अमेज़ॉन पे दे रखे हैं। दोनों फ़ैन्स मुझे 600 रुपये के आसपास के मिल गए थे। डेल्टा कंपनी के वैसे मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन वो मिलते नहीं ईजिली और ज़्यादा कॉस्टली होते, लेकिन ये फिर भी डिसेंट क्वालिटी है। हाई RPM फ़ैन्स हैं ये, 6000 RPM है, जो कि काफ़ी है। तो थोड़ा सा नॉइसी हो सकता है, लेकिन इस होम थिएटर की लाउडनेस के सामने ज़रा सा भी नॉइस नहीं पता चलता। और इसके साथ हमें 1 ईयर वारंटी भी मिलती है। तो इसको लगाने के लिए मैंने केबल टाइज इस्तेमाल करी, बाहर से पहले लगा के चेक करा कि दोनों फिट होंगे कि नहीं। तो जब दोनों हो जाते हैं तो मैंने दोनों ही इसे लगा दिए। अभी मैं ज़्यादा इसको मॉडिफाई नहीं करना चाहता, क्योंकि इन वारंटी है, तो इसलिए मैंने बाहर से ही केबल टाई लगा के लगा दिया। अननेसेसरीली मैं अंदर खोल के नहीं लगाना चाहता था फ़ैन्स को, क्योंकि अंदर फ़ैन्स लगाने के लिए PCB और वो सब खोलना पड़ता, तो इतना कुछ मैं अभी नहीं करना चाहता नए होम थिएटर में। एक्स्ट्रा लेंथ हो जो केबल टाइज की, उसे काट देंगे हम। और इस तरह की मैंने 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से ये लगा दी, एक्सटर्नल पावर सप्लाई से ये फैंस चलेंगे, तो होम थिएटर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है उसे। काफ़ी नीटली लगाने की कोशिश करी मैंने, आप ये देख सकते हैं प्रॉपरली हीट श्रिंक और केबल टाइज का इस्तेमाल करा है, तो जितना अच्छा हो सकता था मैंने करा है ये। इस होम थिएटर में जो मैंने फ़ैन लगाया उनकी स्पीड एडजस्ट करने के लिए एक वोल्टेज रेगुलेटर भी बनाया है, उसकी वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके देख सकते हैं अगर आप भी एक वोल्टेज रेगुलेटर बनाना चाहते हैं। थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी और इसकी ओवरहीटिंग की तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी। ओवरहीटिंग की वजह से इसकी रैम IC ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि रैम को ज़्यादा कूलिंग चाहिए होती है। अगर इतना छोटा इतना स्लीक इन्होंने बना दिया है, तो इसमें एक भी कूलिंग फ़ैन नहीं लगाया, तो ये पता नहीं अजीब सी बात है। पहले के जो मॉडल्स थे उनमें कूलिंग फ़ैन लग के आता था, लेकिन इस वाले होम थिएटर में इन्होंने कूलिंग फ़ैन नहीं लगाया, तो ये प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर ली। अगर आप अपने होम थिएटर में कूलिंग फ़ैन नहीं लगाते हैं, तो 2-3 साल से ज़्यादा की लाइफ नहीं है, और आपकी रैम IC ज़रूर ख़राब होगी, जिसके लिए अगर आप सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो सर्विस सेंटर वाले 10-12 हज़ार का एस्टिमेट बताते हैं, क्योंकि एक रैम IC नहीं बदलते, वो पूरा ही इसका ऑडियो बोर्ड बदलते हैं, जो कि काफ़ी महंगा कंपोनेंट है। तो इसीलिए कूलिंग इसकी बहुत ज़रूरी है। एक इसकी कमी ये है, वायर्स की लेंथ काफ़ी कम है, पीछे के स्पीकर्स की सिर्फ 10 मीटर लेंथ है, जो कि कम है। इतनी पावरफुल होम थिएटर सिस्टम के लिए इतनी कम लेंथ की वायर देना काफ़ी, मैं कहूँगा कॉस्ट कटिंग भी एक ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है, जो सोनी ने करी है। अगर ये केबल नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, नो इशू, हम लोग खुद केबल लगा सकते हैं। एटलीस्ट कनेक्टर्स इस तरह के बना दें कि हम अपनी कोई भी फ्री लेंथ की केबल हम लगा लें, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, अगर आपका ज़्यादा बड़ा हॉल है, 10x20 का भी हॉल है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें भी आप ये स्पीकर्स लगाने में दिक्कत आएगी। मेरे छोटे से बेडरूम में लगाने में ही ये वायर की लेंथ पूरी एग्जॉस्ट कर दी थी मैंने, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं भी किसी बड़े हॉल में लगाने में आपको कितनी दिक्कत आने वाली है। आगे के स्पीकर्स की लेंथ 3 मीटर है, सेंटर चैनल की लेंथ 2 मीटर है, सबवूफर की 3 मीटर है, और पीछे के स्पीकर्स की लेंथ
10 मीटर्स है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इसकी मेन केबल भी बहुत छोटी है, सिर्फ 2 फुट की इन्होंने लेंथ दी है। इस होम थिएटर सिस्टम का बिना स्टेबलाइजर और सर्ज प्रोटेक्टर के मत चलाना, वोल्टेज की फ्लक्चुएशन से कोई ना कोई फॉल्ट्स आ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी सर्विसिंग बहुत महंगी है, इन केस कुछ भी ख़राब होता है तो सर्विस सेंटर वाले सीधा ही पूरा आपका मदरबोर्ड बदलेंगे, तो उसकी कीमत ही 10-12 हज़ार से कम कभी भी एस्टिमेट नहीं बनेगा। और अगर आप बाहर से रिपेयर कराते हैं तो वो अपने रिलायबल कंपोनेंट्स नहीं इस्तेमाल करते, तो हो सकता है कि आपको इतना अच्छा रिपेयर होके ना मिल पाए, नई वाली बात आपको ना मिले। और रिपेयर कराने में आपको पता ही है कि ये लोग काफ़ी बुरे तरह स्क्रैचेस मार देते हैं, तो इन केस अगर मेरे साथ ऐसा कोई भी फॉल्ट आता है तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा किस तरह से कौन से कंपोनेंट्स चेंज करने हैं या क्या करना है, क्योंकि मैं DIY चैनल है ये, तो DIY के ज़रूर मैं आपको रिपेयरिंग दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक नहीं होगा। और बात करें कीमत की, ये होम थिएटर मुझे Amazon से 22,000 रुपये का मिल गया था। जब तक आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तब तक सारे स्टॉक्स क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि आजकल के टाइम में इस तरह के होम थिएटर्स नहीं आते। आजकल के जो मिलेनियल्स हैं वो ज़्यादातर, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन साउंड बार ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसी तरह का जो कचरा आ रहा है वो मिल रहा है, वो ओवर प्राइज्ड है। 15-20 हज़ार से कम ज़्यादातर साउंड बार्स नहीं आते, और जो कम रेट के होते हैं बिल्कुल ही जंक होते हैं, लाइफ तो होती ही नहीं। तो इस तरह के होम थिएटर्स पुराने टाइम में आते थे, जो पुरानी जनरेशन थी वो लेती थी। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि इस तरह के जो होम थिएटर हैं इन्हें बॉक्स नहीं मिल रहे हैं। हाँ, अगर आप अलग से लेके स्पीकर्स और ऑडियो वीडियो रिसीवर लेके बनाएंगे तो वो चीज़ आज भी मिलती है, लेकिन उसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है, 50-60 हज़ार से ऊपर का पड़ेगा वो सेट आपको। ये उससे काफ़ी चीप है और काफ़ी अच्छी साउंड देता है, अगर आप एक अपार्टमेंट में रहते हैं तो ये मोर देन इनफ है आपके लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछिए।